औरत तो मर्द बनी महिला कांस्टेबल, देखो क्यों करना पिया जेंडर चेंज। अपनी सहेली तो वक हो के किता फैसला। दुनिया ते बहुत सारिया अलोकारी चा जगो तेरिया गल्ला हुंदिया ने। ए चीजा कई बार आम लगदिया ने, पर कई बार गंभीरता नाल सोचन ते हैरानी भी पैदा हुंदी है। अजिहा ही ताजा मामला बठिंडा पुलिस नाल जुड़ रहा है। मामला की है ए सुन के तुसी भी सोची पै जाओगे। ता फिर सुनो, बठिंडा पुलिस दी क्यों हो रही है चारे पासे चुंज चर्चा। असल दे विच बठिंडा पुलिस विच तैनात महिला कांस्टेबल ने अपना लिंग बदल लिया अते महिला ऑपरेशन करवा के औरत तो मर्द बन गई है। ए भी दस्या जा रहा है कि पंजाब विच यह पहला मामला है जिस विच पंजाब पुलिस दी महिला कांस्टेबल ने अपना लिंग बदलिया। दूजे पासे जिले दे डीसी ने लिंग बदली दा ऑपरेशन करन वाले हस्पताल दी रिपोर्ट दे आधार ते उक्त कांस्टेबल दा नाम बदल के सर्टिफिकेट भी जारी कर दिता है। महिला कांस्टेबल ने दिसंबर 2020 दे विच नवी दिल्ली दे हस्पताल तो सर्जरी करवाई अते पता लगा कि महिला कांस्टेबल ने लिंग बदलन लई अपने ऑपरेशन करवाउन तो पहला पुलिस विभाग तो इसकी बकायदा मंजूरी भी ली है। पंजाब दे विच लिंग अते नाम बदलन दी आई पहली अजिही अर्जी नूं लै के बठिंडा पुलिस दे अधिकारी भी परेशान ने। उक्त महिला कांस्टेबल साल 2011 तो बठिंडा पुलिस विच तैनात है। मर्दाना लिंग नाल वधेरे जुड़िया महसूस करन तो बाद महिला कांस्टेबल ने अपना लिंग बदलन दा फैसला लिया। नवी दिल्ली दे एक हस्पताल विच ऑपरेशन करवाउन तो बाद उक्त कांस्टेबल बिल्कुल ठीक है। असल दे विच इह महिला कांस्टेबल पहली बार 2012 विच उस समय सुर्खियां दे विच आई सी जदों ओह अपने परिवार दे सख्त विरोध दे बावजूद बठिंडा जिले दे अपने पिंड तों अपने बचपन दी सहेली नाल लिव इन रिलेशनशिप विच रहन लगी सी अते उसने अपनी सहेली नाल इकट्ठे रहन लई पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच अपील भी दायर कीती सी अते इस दे नाल ही सुरक्षा दी मांग भी कीती सी। उसने उस समय कहा सी कि दोवां सहेलियां नूं उनां दे परिवारां तों खतरा है। हालांकि दोवां सहेलियां दे रिश्ते विच साल 2019 विच खटास पैदा हो गई सी जदों दोवां ने एक दूजे ते हरासमेंट अते तंग परेशान करन दीआं पुलिस कोल शिकायतां कीतीआं सन। इस तों बाद उक्त कांस्टेबल अपनी सहेली नालों वक्ख हो गई सी तां उत्थे ही इस मुद्दे ते IGP बठिंडा रेंज MS छीना ने कहा कि पहली बार है जदों पुलिस नूं किसे महिला कांस्टेबल ने लिंग बदलन दी अर्जी दित्ती है। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕੂ ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।